मैं एक जनरल सवाल पहले सबसे पूछता हूँ, अंग्रेजी जुबान बेहतर कैसे सीखनी है? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी? यस, रीडिंग बुक्स हेल्प्स यू इम्प्रूव योर इंग्लिश. एब्सोल्यूटली राइट. एनीवन एल्स? द मोर यू डू लिसनिंग, द मोर यू सिट विद द पीपल हु स्पीक्स इन इंग्लिश, हेल्प्स यू इम्प्रूव योर इंग्लिश. राइट. ओके, इफ यू हैव नो वोकैबुलरी, I think then speaking English is a question mark. Yes, you are absolutely right. Try to think in English. The more you think in English, yes, it helps you brainstorming. You try to convert your thoughts into the English. It improves your English, yes. Okay, you must have somebody to talk to him. You both are friends. So the more you talk and interact with each other, it helps you improve English. Aapke paas knowledge honi chahiye. Well done. Ye bhi ek important hai. लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने ये सीखना है कि मैंने इसको सीखना कैसे है. तीन चीज़ों पर आपकी इमारत बनेंगी, अंग्रेज़ी ज़ुबान की भी और कंप्यूटर साइंस की भी. नंबर वन, टूल्स. दूसरी चीज़ जो है वो टेक्निक्स है. और तीसरी चीज़ क्या है? प्रैक्टिस है. दो टूल्स ऐसे हैं, एक आपके पास है, एक इदारे के पास है, जिसके बुनियाद में और जिसके दरमियान खेलने से जुबान ने सीखना है. टेक्निक तुम्हें असातिज़ा बताएंगे. 10 किलोमीटर साइकिल पर प्रैक्टिस करना उस्ताद का काम है. कैसे करना, ऐसे करना, इस पैटर्न पे करना, ये तरीका इस्तेमाल करना उस्ताद का काम है. ये तुम्हारा काम है, ये कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा. टूल्स, टेक्निक्स और प्रैक्टिस. प्रैक्टिस तुमने खुद करना है, टेक्निक्स तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें बतानी है, टूल्स तुम्हारे पास है. जो आपके हाथ में टूल्स हैं उसमें बुक्स हैं, ठीक है. एक वीडियो बुक है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बुक. एक स्टूडेंट बुक है जो आपके क्लासरूम में इस्तेमाल होगी. और एक डब्ल्यू वर्क बुक है जो आपके घर में इस्तेमाल होगी. ये बुक्स जो आपके पास है ये टूल्स का हिस्सा है. एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में लिसनिंग और विजुअल्स हैं, वो DVD, USB या QR. टेक्निक्स फिर उस्ताद ने बताने हैं कि ये किताब के पेज नंबर 13 पर लिखी गई स्टोरी को कितनी बार पढ़ना है और इसके रिलेटेड मटेरियल को कितनी बार सुनना है और फिर उसके बाद इसको कितनी बार देखना है, फिर उस पर प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है, अगले दिन क्लास में इस पर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, यह उस्ताद का काम है. और इन तमाम मराइल से गुजरना तुम्हारा काम है. अगर इस तसलसल से आगे बढ़ते जाओगे तो अंग्रेज़ी ज़ुबान कैसे सीखनी है वो सीख गया. तो योर टीचर विल टेल यू टू रीड द स्टोरी 20 times. 20 times पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आंखों का जो ये कॉर्निया है, जब तक एक विकेबलरी उसके सामने 20 बार नहीं गुजरती, पीछे दिमाग में लैंग्वेज का जो छिम्बर है वहाँ पर वो अपना खाका नहीं बनाता. तो जब 20 बार आप इसको पढ़ेंगे तो दिमाग में पीछे एक नक्शा बन जाएगा. फिर उस्ताद कहेगा कि 20 बार पढ़ो और इसको 20 बार अब सुनो. कागज़ उठाओ, 20 बार पढ़ ली, अब 20 बार पढ़ना है और 20 बार इसको क्या करना है, सुनना है. तो आपको एट द पुलिस स्टेशन के नाम से जो टॉपिक होगी वो आपको इस USB या QR कोड में उधर एक फोल्डर होगी, आइडियो लिसनिंग पर क्लिक करके उसमें आपको एट द पुलिस स्टेशन के नाम से, ये एक फर्जी नाम है, उधर है नहीं, आपको कुछ भी मिल सकता है, उधर क्लिक करके हेडफोन लगा के 20 बार पढ़ने के बाद 20 बार पढ़ते हुए सुनना है आपने. जब आप ये सुनेंगे तो कुछ चीज़ें कुदरत ने हमें मुफ्त में दी है. जो हम सुनते हैं आपके वोकल कोड्स उसी तरह प्रोनंसिएशन डेवलप करना शुरू. दिस इज व्हाट आपके एक बच्चे ने कहा कि द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक. अंग्रेजी जुबान लिखते हुए कुछ और है, बोलते हुए कुछ और है. अगर मैं लिखूंगा कि आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर तो ये लिखने में होगा, लिखने में ऐसा है, बोलने में ऐसा नहीं है. आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. डिड यू लाइक माई लेक्चर? डिड यू लाइक? डिड यू लाइक? डिड यू लाइक? बोलने में डिड यू लाइक है, लिखने में डिड यू लाइक है. वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? Would you please, I want you to play cricket. I want you to bring a glass of water. Water, nahi, water.
वांट यू नहीं, वांट यू, वुड यू नहीं, वुड यू. इसलिए बच्चे लिसनिंग नहीं कर सकते. माइकल प्लाटिनी बोल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही. मेरे बच्चों, अगर आप 20 बार पढ़ने के बाद 20 बार पढ़ते हुए सुनोगे तो बायोलॉजिकली कान के जरिए और निगाह के जरिए इस चैम्बर में जो दुनिया बन रही होगी वो मजीद डेवलप होती जाएगी. तो इस चैम्बर में घर बनाने के लिए 20 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ते हुए सुनो, और उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसको एक रजिस्टर में आपने ये लाइनें मारनी है. इसमें जो वोकैबुलरी आपको समझ में नहीं आ रही, जिसका मतलब मालूम नहीं है, आपने उसको रजिस्टर में लिखना है. और इसी QR USB में एक डिक्शनरी है, उसे इसकी मीनिंग निकालनी है, यूज़ इन अ सेंटेंस करना है, और ये वोकैबुलरी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है. और सबसे आखिर में आपने ये करना है कि आपने ये पूरी वीडियो देखनी है जो आपके इस रिसोर्सेज में क्लिक करके वो वीडियो उधर पड़ी होगी. फिर यही एट द पुलिस स्टेशन घर में बैठकर इस कहानी को 20 बार देखो, ताकि आपकी इमेजिनेशन में जो तुमने पढ़ा, जो तुमने सुना, वो मजीद स्ट्रांग हो जाए. उसके बाद फिर आराम से बॉल पॉइंट उठाओ और अपने अल्फाज में इस पूरी कहानी को लिखो.